नमस्कार खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। दरभंगा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 125 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने गाड़ी चालक सहित गाड़ी सवार रोहित खंडेवाल नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। 125 करोड़ रुपए मामले को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि दरभंगा SP ने इस रकम को काला धन बताया है। देखिए दरभंगा से जितेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। दरभंगा के विशनपुर थाना अंतर्गत पुलिस को बड़ी उपलब्धि तब मिली जब दरभंगा समस्तीपुर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान समस्तीपुर से दरभंगा आ रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पुलिस ने तलाशी लेना शुरू किया। गाड़ी से करीब 1,11,00,000 रुपये बरामद किए गए। हालांकि इतनी बड़ी रकम को देखते ही पुलिस वाले चौंक गए। पुलिस ने तत्काल गाड़ी के चालक संतोष कुमार और गाड़ी पर सवार रोहित खंडेलवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। दोनों ने पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गिरफ्तार युवक रोहित खंडेलवाल लगातार पुलिस को वरगलाता रहा। कभी वह कह रहा था कि समस्तीपुर से मधुबनी के जयनगर जा रहा था, जहाँ एक पुरुषोत्तम झा को रुपये देना है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि इतना रुपया कहाँ से मिला, वह कंपनी का कभी रुपया बताया तो कभी सीमेंट की दुकान पर किसी को देने की बात कहकर अपना बयान बदलता रहा। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में रोहित खंडेलवाल को लेकर सच्चाई जानने की कोशिश में जुटी हुई है। गिरफ्तार गाड़ी चालक ने पुलिस को कहा कि रुपये के बारे में उसे कुछ नहीं पता है, वह सिर्फ ड्राइवर है और गाड़ी मालिक के आदेश पर जयनगर जा रहा था। दरभंगा के टाउन SP अशोक कुमार ने 125 करोड़ बरामद होने की खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि 125 करोड़ के साथ दो व्यक्ति वाहन चेकिंग में पकड़े गए हैं, जबकि एक तीसरा फरार हो गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवालों के सही जवाब दोनों से नहीं मिल रहा है। हमको वो नहीं जानता है सर, उसी का मालूम है। हम तो आप बोले जहाँ कौन दिया था आपको पैसा? हैं कौन दिया? हमको नहीं दिया था तो वही लेके आए। किस पार्टी का था? कौन पार्टी का था? तो वही जगह हमको जहाँ जहाँ बोला वहाँ वहाँ हम गाड़ी लगाए, जहाँ जहाँ रुकाया था कलेक्शन करने के लिए। आपको लगा कि पैसा वहाँ लिया जा रहा है? हम तो ये भी नहीं जानते हैं। जा रहा था घर पे तो हम बोला कोई काम होगा, फिर भी मिलाता था फिर रखता था। आप क्या है, ड्राइवर थे क्या? जी ड्राइवर हूँ। कितना पैसा? फिर बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय से आगे से जो गोलम्बर है, गोलम्बर से आगे से कौन सा जगह है वो गांव में 80,000 आगे। तो जो आपके साथ आ रहा था वो कहाँ का व्यक्ति है और क्या करता है वो? वो बोल रहा था हम तो आज पहले बार हमको मिला है। मालिक जो बोला गाड़ी जाओ भाड़ा में फलना जगह से फलना जगह जाओ, उसको बैठाए वो जहाँ जहाँ बोला और बोला वहाँ पर जहाँ जहाँ बोलेगा वहाँ वहाँ जाने का। ये सब तो कितने जगह इसने पैसा दिया है? आप कितने जगह लिया? 3-4 जगह रुके हैं बस, वही से अपना जाता था। हम एक ही जगह रुके हैं, अपना अपना जाता था, सिलेक्शन करता था। पैसे भी चुनाव के मद्देनज़र अंतर जिला चेक पोस्ट पूरे जिला में कार्यरत है। बिशनपुर थाना अंतर्गत भी ये पुल के पास, जटमलपुर पुल के पास ये नाका लगी हुई थी और बिशनपुर थाना के पदाधिकारी और SSB के जवानों ने इस वाहन को डिटेन किया और चेक किया तो उसमें आप देख रहे हैं तकरीबन जो भी प्रथम दृष्टया मिलाया गया है उसमें 1,11,09,150 रुपये की काउंटिंग हुई है। इसको फिर हम लोग मशीन से भी मिलाएंगे और दो व्यक्ति हैं गाड़ी में और एक व्यक्ति था गाड़ी से, वो शायद गाड़ी रुकी तो भागा है। तीन लोग थे गाड़ी में, दो लोग हिरासत में हैं। दरभंगा के सिटी SP ने कहा कि यह रुपया काले धन के रूप में है और इसका इस्तेमाल कहीं चुनाव में होना था, पर कहां होना था यह पूरी पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल पुलिस गहन पूछताछ दोनों आरोपियों से कर रही है। बहरहाल पुलिस ने 125 करोड़ बरामदगी को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी है और इस रुपये को लाने और ले जाने की जगह सहित इसके असली मालिक के बारे में पड़ताल करने में जुट गई है। खुलासा के लिए दरभंगा से जितेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल खुलासा मीडिया को कीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।